जय हिंद दोस्तों, होपफुली आप लोग अपने एग्जाम एलडीसी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। वीडियो के इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है पूरे विश्व की, और उनमें से क्वेश्चन हमेशा आप देखेंगे आपके एग्जाम में रहता ही रहता है, तो उन्हीं को इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो सेक्शन में। ठीक है, ये आपके CISF, PSF और SSV का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। लगभग सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो LDC के एग्जाम है उनमें यहाँ से क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। ठीक है, खासकर अभी CISF और BSF का एग्जाम है तो वो लोग बहुत ध्यान से इसको पढ़ें। ठीक है, आपके पेन ड्राइव में करंट अफेयर की चीजें नहीं थी, तो जो CISF और BSF का पेन ड्राइव कोर्स में जिन स्टूडेंट्स ने एनरोल करवा रखा है उनको फुल वीडियो उनके पेन ड्राइव वाले ग्रुप में, जिस ग्रुप में वो इनरोल्ड है उसमें मिल जाएगा। हम लोगों ने करंट अफेयर की बैचेस अब स्टार्ट कर दिया है, इसकी वीडियो बनाना, क्योंकि अब एक आइडिया है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक अब आ सकता है एग्जाम में करंट अफेयर। तो अभी हम लोग इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को पहले खत्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग ध्यान से इसे सुनो। ठीक है, और लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, लिखने की जरूरत इसको नहीं है, आप एक बार इसको सुन लो। ठीक है, चाहो तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिख सकते हो एक छोटे से डायरी में, छोटे से डायरी में इंपॉर्टेंट चीजें लिखो ताकि उसको कहीं भी कैरी कर सको। ठीक है ना, क्योंकि पेन ड्राइव, देखो पेन ड्राइव को ड्यूटी पे मत कैरी करो, अब बहुत से स्टूडेंट ले जाते हैं, इधर उधर टूट फूट जाता है, खो जाता है। अब पेन ड्राइव को घर पे रखा करो और उसमें अपना नोट बनाओ पेन ड्राइव का, और छोटे छोटे डायरी में नोट बनाओ और उसको ड्यूटी में कहीं भी ले जा सकते हो, छोटे डायरी जो कैरी करने लायक हो। ठीक है ना, तो इस तरह से आप पेन ड्राइव से चीजों को करो। चलिए, तो हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड पे। देखिए, अब ये इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, इस पूरे विश्व में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें क्या क्या है, कहां कहां से क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन से, वो हम सारा अभी करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें देखो सबसे पहले अभी G20 को लेके, G20 में इसके ऊपर बहुत बड़ा एक सपोर्ट आया था, G20 मीटिंग जो अभी न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी G20 में ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर काफी चर्चा हुआ है, IMF को बुलाया गया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, गीता गोपनाथन जो उनकी प्रेसिडेंट है, उनको चीफ इकोनॉमिस्ट है, उनको बुलाया गया था। ठीक है ना, उनकी प्रेसिडेंट भी आई थी। नाटो को डिस्कस करेंगे, इंडिया का क्या स्टैंड है नाटो में, अब वो डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ऊपर डिस्कस G20 में, ये भी बहुत ज्यादा हुआ है तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनेस्को के ऊपर डिस्कस करेंगे, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ है और सभी देशों का अग्रीमेंट बना है G20 में, तो ये अभी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। फिर यूनिसेफ को डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारा डिस्कशन हुआ है लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारे लेबर मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र सिंह जी, उनका नाम याद करके जाना। G7 मीटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, आर्कटिक काउंसिल, सार्क, ये सब तो पुराना है, खैर सार्क एक ट्रैफिक करके है उसको डिस्कस करेंगे, साइट्स एक ऑर्गेनाइजेशन उसको डिस्कस करेंगे, नासा की जो अभी करंट सिचुएशंस हैं, जो करंट उसके प्रोजेक्ट्स हैं जो अपने एग्जाम में आ सकता है ना, चंद्रयान के इधर उधर की चीजें वो हम लोग करेंगे, तो साथ साथ इसरो को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन AIIB को डिस्कस करेंगे, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन UNFCCC को डिस्कस करेंगे, इंटरपोल को जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी डिस्कस करना, बहुत सारा इसके G20 में इसके ऊपर बातें हुई हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे, G20 और G20 में अब जो नई चेंजेज आए हैं, अब 21 कंट्री हो गया है। ठीक है, और क्या क्या दिल्ली न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो हुआ था, न्यू दिल्ली घोषणा पत्र, उसमें क्या क्या बातें थी जो अपने एग्जाम में शायद आ जाए, तो उन चीजों को डिस्कस करेंगे। ब्रिक्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक, रेड क्रॉस सोसाइटी, WEF, IUCN रेड लिस्ट जारी करती है बहुत सारे जानवरों के ऊपर कि कौन सा जानवर अब विलुप्त हो रहा है, कौन सा जानवर को हमें विलुप्त होने से बचाना है। ठीक है ना, और UNSCR
है ना, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है जैसे अमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूनिडो। ठीक है, तो इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में डिस्कस थोड़ा ज्यादा करेंगे क्योंकि ये थोड़ा चर्चा में रहा है अभी G20 में। ठीक है, अपने लिए मेन जो है ना, अभी जो मैंने ये लिखे हैं शुरुआत के 10, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये G20 वाला, ठीक है, क्योंकि G20 अभी हुआ है तो हो सकता है एग्जामिनर ये समझ जाए कि यार बच्चा पढ़ के जाएगा G20 के बारे में, तो G20 से क्वेश्चन ना भी दे, लेकिन उसकी जो डिक्लेरेशन की चीजें हैं वहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक एक चीज बताता जाऊंगा, आप एक एक चीज जो है ना इसमें से देख लेंगे तो वो मोर देन सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, मैंने ये कहा कि आप जब इसको दोबारा, जैसे मैं अभी तो धीरे धीरे डिस्कस करूंगा, आपको लगा कि सर स्लो पढ़ा रहे हैं, तो आप इसको यूट्यूब पे देख रहे होगे, तो यूट्यूब के सेटिंग में जाना, सेटिंग में प्लेबैक स्पीड होता है, उसको आप इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है ना, तो ज्यादा तेज या ज्यादा स्लो, जो भी आपको ठीक लगे वो हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, हिंदी में इसका नाम, वैसे देखो हिंदी में नाम मत ही याद करना, क्यों पढ़ लो, क्योंकि हिंदी में भी ना यही लिखा आएगा हिंदी में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और फैट एफ, इसको शॉर्ट में कहते हैं फैट एफ। ठीक है, हिंदी नाम यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वित्तीय, पहले सुनो बाद में लिखना, वित्तीय कार्यवाही, कार्यवाही कार्यबल, कार्यबल। ठीक है, तो इसका प्रमुख काम क्या है, सबसे पहले हम आते हैं, देखो इसका प्रमुख काम है जो ग्लोबल पूरे विश्व में मनी लॉन्ड्रिंग होता है उसको, और टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, जो टेररिस्ट को पैसा पहुंचाया जाता है उसको रोकना। ठीक है ना, उसका वॉचडॉग है, ये पता करता है कि कौन टेररिस्ट को फाइनेंस कर रहा है, कहां मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये सब पता करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो हम ये लिख सकते हैं कि फैटएफ का मुख्य कार्य मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट, आतंकवाद, टेररिस्ट फाइनेंसिंग। हो रोकना है, रोकना, ये उसका वॉचडॉग है, वॉचडॉग मतलब ध्यान रखेगा कि क्या चल रहा है पूरे विश्व में, कौन कहां मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, कहां आतंकवादी गतिविधियों के लिए पैसा खर्च करने को सोच रहा है। ठीक है, तो इन सब के बारे में ये करेगा। ठीक है, दूसरा इसका आपको आ सकता है एस्टेब्लिशमेंट, है ना, कि कब स्थापित हुआ था, तो स्थापना, तो स्थापना इसका हुआ था 1989 में। ठीक है, अच्छा 1989 में कहां हुआ था, तो 1989 में एक G7 समिट हुआ था, G7 समिट। ठीक है, और ये हुआ था पेरिस में, पेरिस आप जानते हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस, तो पेरिस में ये समिट हुआ था, और इसलिए इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस ही है। ठीक है ना, और इसी G7 समिट में ये डिस्कशन किया गया कि यार अपने को मनी लॉन्ड्रिंग और वॉचडॉग ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना है, यदि हम लोग ये नहीं करेंगे तो आगे भविष्य में यही चीजें जो है विश्व को युद्ध की तरफ ले जा सकती है। ठीक है, तो G7 का समिट था और 1918 का ईयर था जब ये स्थापित हुआ। ठीक है, अच्छा तब इसको ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था 1989 में, आपने सुना भी नहीं होगा। ठीक है, अभी G7 में ही ये बहुत ज्यादा फेमस, G20 में बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। ठीक है ना, ये हुआ क्या, जब 9/11 अटैक हुआ था अमेरिका में, याद होगा आपको 9/11 अटैक। ठीक है, तो अमेरिका में जब अटैक हुआ अमेरिका में, तो ये जो है ना एक्शन में आया, इसको इंपॉर्टेंस देना
अब जरूरत समझा गया कि हाँ नहीं हमें इस ऑर्गेनाइजेशन को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, तो उसके बाद इसका प्रसार ज्यादा हुआ, प्रसार उसके बाद इसका ज्यादा हुआ। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखो, इसकी मीटिंग्स जो है ना, सेशंस जिसको हम मीटिंग्स कहते हैं, सेशंस, तो इसकी सेशन जो है पूरे ईयर में 3 बार होता है, 3 times प्रति वर्ष या पर ईयर, पूरे वर्ष में 3 बार होता है। ठीक है, अब इसके मेंबर कौन कौन है, तो मेंबर में आ जाओ, तो 39 ठीक है ना, इसमें से 37 तो कंट्रीज है और 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 37 कंट्रीज हैं, उसमें मेन अपना इंडिया भारत तो है ही, भारत, ठीक है, भारत है, ठीक है, और चाइना, आपका यूएसए, जर्मनी, जापान, ये सब सब है, पाकिस्तान ये सब नहीं है, बांग्लादेश ये सब नहीं है, चाइना है बस, ठीक है ना, तो 37 कंट्री है, भारत अपना है उसमें, और 2 जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके मेंबर हैं वो 2 हैं, एक तो यूरोपियन यूनियन है ना, यूरोपियन यूनियन, ईयू जिसे कहते हैं, ठीक है ना, तो वो इसका एक मेंबर है, और दूसरा इसका एक मेंबर है गल्फ कमीशन, कमीशन की स्पेलिंग याद रखना, इंग्लिश में भी आता है गल्फ कमीशन, ठीक है ना, जीएफ, गर्लफ्रेंड नहीं, गल्फ कमीशन, ध्यान दो, ठीक है, तो गल्फ कमीशन, ये 2, ये तो इतने देश हैं और 2 ऑर्गेनाइजेशन है। भारत को जो है, भारत ने जब ज्वाइन किया था वो ईयर था 2006, लेकिन जब भी कोई कंट्री इसको ज्वाइन करता है तो पहले उसको एज अ ऑब्जर्वर कंट्री रखा जाता है, ताकि उस मतलब उसको पहले पता कर सके कि भाई ये कंट्री हमारी बात मानेगा नहीं मानेगा, क्या रूल फॉलो करेगा नहीं, तो 2006 में इसको एज ए ऑब्जर्वर कंट्री रखा गया था, ठीक है ना, फिर बाद में जो है 2010 में फुल मेंबरशिप दी गई, अब भारत इसका अस्थाई मेंबर है, अस्थाई सदस्य है, ठीक है, चलिए तो ये हमने कर लिया। अच्छा, कुछ इसमें अभी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ऑब्जर्वर के फॉर्म में रखा गया, ऑब्जर्व मतलब कि अभी देख रहे हैं कि इसको हम मेंबर बना सके या नहीं, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिसको ऑब्जर्वर रखा गया अभी, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन में, तो वो ऑब्जर्वर कंट्रीज सॉरी संस्थाएं हैं, एक तो IMF, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन अपनी इंपॉर्टेंट की IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, फिर आपका एक एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और एक है इसका इंटरपोल, इसको ऑब्जर्वेशन में इन्होंने रखा हुआ है, इसकी इनको कभी भी मेंबरशिप अब मिल सकती है, ठीक है ना, और G20 में अभी जो मीटिंग हुई तो उससे एक लग रहा है कि इनको अब अस्थायी मेंबरशिप इनको इन ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए, अब इसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो हम लोग प्रेसिडेंट पे आते हैं, ठीक है, तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो अभी जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है P. Rajakumar। अब आप ये मत सोच लेना कि इंडियन है, ये सिंगापुर के हैं, सिंगापुर के हैं P. Rajakumar, इन्होंने जुलाई 2022 में संभाला था भार, जुलाई 2022 में, 2 साल का मेंबरशिप अध्यक्षता होता है एक अध्यक्ष का, तो अभी इनकम्बेंट मतलब अभी प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में जो इसके प्रेसिडेंट है उनका नाम है P. Rajakumar और वो सिंगापुर से है, ठीक है। अच्छा, अब ये करती क्या है, ये जो FTA है ये करती क्या है, जो कंट्रीज मनी लॉन्ड्रिंग ज्यादा करते हैं, ठीक है, और जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग को जो है बढ़ावा देते हैं, टेररिस्ट को फाइनेंस करते हैं,
उसको ये दो लिस्ट में रखती है, एक को हम कहते हैं ग्रे लिस्ट, ग्रे लिस्ट, और एक को कहते हैं ब्लैक लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। ठीक है, एक होता है ग्रे लिस्ट और एक होता है ब्लैक लिस्ट। ठीक है, अभी ग्रे लिस्ट में इंडोनेशिया को रखा हुआ है, ग्रे लिस्ट में इंडोनेशिया को रखा हुआ है, आप यहां लिख सकते हो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया को ग्रे लिस्ट में लिखा है, रखा हुआ है। ब्लैक लिस्ट में कौन कौन है, तो ब्लैक लिस्ट में है आपका ईरान, पाकिस्तान भी ब्लैक लिस्ट में था पहले, पाकिस्तान भी पहले ब्लैक लिस्ट में था, लेकिन अभी इंडिया ने जब हामी भर दी कि चलो ठीक है ब्लैक लिस्ट से हटाया जाए, तो ब्लैक लिस्ट से हटाया गया पाकिस्तान को। इंडिया ने जब रिकमेंडेशन दिया कि हाँ इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया को लगा कि नहीं हाँ ठीक है अभी ब्लैक लिस्ट से इनको हटाना चाहिए, कि बहुत ज्यादा उनको कोई फाइनेंसिंग सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कंट्री का बहुत बुरा हाल था, तो ब्लैक लिस्ट से हटा दिया गया। ठीक है, तो ईरान अभी ब्लैक लिस्ट में है, ठीक है, और आपका पाकिस्तान था लेकिन उसको हटा दिया गया है, फिर आपका ईरान के बाद नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया ब्लैक लिस्ट में है, म्यांमार ब्लैक लिस्ट में है, म्यांमार आपको ये नाम सुन के अजीब लग रहा होगा लेकिन म्यांमार से टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है, ठीक है ना, मनी लॉन्ड्रिंग भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये कंट्री जो है अभी ब्लैक लिस्ट में है। ठीक है, आपने इतना कॉपी कर लिया होगा, कॉपी कर लो, क्योंकि थोड़ा सा मुझे यहाँ जगह चाहिए, मैं यहाँ जगह क्रिएट करता हूँ थोड़ा। देखिए, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो ब्लैक लिस्ट में करते हैं क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या है ब्लैक लिस्ट में करने के लिए। तो ब्लैक लिस्ट में ये उन कंट्री को करते हैं जिनको लगता है कि ये हाई रिस्क कंट्रीज हैं, हाई रिस्क जुरिसडिक्शन कहते हैं ये लोग उसे, FATF, हाई रिस्क जुरिसडिक्शन कहते हैं, मतलब यहां हाई रिस्क है, हाई रिस्क कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और टेररिस्ट फाइनेंसिंग करते हैं। इंडोनेशिया को ग्रे लिस्ट में रखा है, मतलब वो भी एक अब कभी भी उसको ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था FATF के बारे में। अच्छा, G20 में इसमें क्या हुआ, देखो जो अभी G20 हुआ और उसमें न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन काफी चर्चा में रहा, न्यू दिल्ली घोषणा पत्र, ठीक है, तो उसमें ये कहा गया कि सारे कंट्रियों ने कहा कि हम G20 के जितने भी कंट्री आई थी, ठीक है ना, जिसमें चाइना का एक पूरा ढंग से स्टैंड नहीं था, लेकिन बाकी सारी कंट्रियों ने ये कहा कि हम FATF को काफी सपोर्ट करेंगे, ठीक है, इसमें इसकी जहां तक हो इसको और एक्सपेंड किया जाए FATF को, और सभी कंट्रीज को जो है सपोर्ट करें और इसके एक्सपेंशन में हेल्प करें, ठीक है ना। भारत में, अपने भारत में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन FATF की तरह अपनी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, जैसे अपना ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर डायरेक्टोरेट ये यही काम करती है ना, और अपना एक PMLA एक्ट है, ठीक है ना, इस एक्ट का नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पी से प्रिवेंशन, रोकथाम, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो ये ईडी और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये दो इंडिया के पास पहले से दो ये यंत्र हैं जिसके थ्रू दो डिपार्टमेंट हैं जहां से हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग को रोकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए था और वो है FATF, और FATF को अब G20 के बाद और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो अपने लिए एग्जाम के लिए क्या बना, देखो एक तो FATF का कार्य क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग का ये वॉचडॉग है ना, देखभाल करता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन सी कंट्री ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है या मनी आतंकवादी गतिविधियों पे पैसा लगा रही है। इसकी स्थापना 1989 में हुआ था G7 समिट के दौरान पेरिस में, और हेडक्वार्टर भी पेरिस में है, पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। उसके बाद इसमें है कि इंडिया ने कब ज्वाइन किया, 2006 में, और 2010 में उसे परमानेंट मेंबर दिया गया। प्रतिवर्ष 3 इसके सेशन होते हैं, ठीक है, ये अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे। तो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हम ISA भी कहते हैं। बहुत ज्यादा G20 में इसका चर्चा रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में एनर्जी की ही संकट होगी, क्योंकि कोयला, पेट्रोल, जो जीवाश्म से संबंधित जितने भी
फ्यूल है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, वो नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है ना, नवीनीकृत नहीं किया जा सकता उसको, तो सोलर एनर्जी पे जो है ना जोर दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, जो स्टूडेंट हमारे इसको यूएस हमारे चैनल द एकेडमी ड्यू पर देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, उनको बता दूं आपको ये एज अ हमने डेमो वीडियो दिया है, और जो पेन ड्राइव और कोर्सेज में एनरोल हैं उनको उनके ग्रुप में मिल जाएगा। जो स्टूडेंट हमारे पेन ड्राइव कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, मैं बताऊं आपको कि यदि आप CISF में हैं या BSF में हैं, ठीक है, तो द एकेडमी एडियो का पेन ड्राइव कोर्स बहुत ही फेमस है। एकेडमी एडियो हम लोग 2008 से पैरामिलिट्री फोर्सेस का हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। हम लोग पहले ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो पैरामिलिट्री के लिए एग्जाम के लिए हम लोग ने स्टार्ट किया था, ठीक है, और दिल्ली में द एकेडमी एडियो हमारा एक महिपालपुर में सेंटर है जो CISF GBS कैंप है महिपालपुर, और साकेत में, और एक सेंटर है हमारा कालिंदी। आपको हम लोग SI ASI और असिस्टेंट कमांडेंट सारे मिलिट्री फोर्सेस का हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। तो अभी हम लोगों ने अब क्या करते हैं, 2012 के बाद हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दिया था, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है ना कि आप लोगों का ड्यूटी वेरी करता है टाइम, तो उससे क्या होता है कि कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता, तो हम लोगों ने वही सारा चीजें पेन ड्राइव कोर्स कर दिया, तो हम लोग अब बस पेन ड्राइव कोर्स चलाते हैं, पेन ड्राइव कोर्स, ठीक है। और असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जो है आपको ऑफलाइन जो है इंटरव्यू सेशंस होते हैं वो हम लोग करवाते हैं, वो तो ऑफलाइन ही करवाना पड़ता है, ठीक है। तो पेन ड्राइव कोर्स में जैसे सपोज करो आप CISF में है BSF में, तो आपका पूरा का पूरा कोर्स वीडियो फॉर्म में होगा पढ़ाया हुआ, जैसे क्लास में पढ़ाते हैं ठीक वैसे ही रिकॉर्डेड वीडियो होगा, एक एक चैप्टर, एक एक सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर का बहुत प्रॉपरली अप टू द सिलेबस, और बहुत बेसिक से जीरो से हीरो तक, ठीक है ना, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया हुआ होगा कि आप यदि भूल भी गए हैं नौकरी के दौरान तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एक एक चैप्टर आप प्रॉपरली देखिए और बहुत प्यार से आपका सिलेक्शन जो है ना हो जाएगा, बहुत ढंग से प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है ना। फिर सभी चैप्टर के ऊपर PDF क्वेश्चन होंगे जो आपको करने हैं, फिर उसका डिस्कशन होगा, ठीक है। उसमें 2008 से लेके 2021 तक के जितने एग्जाम हुए उन सबका प्रीवियस ईयर पेपर होगा विद डिस्कशन, प्लस एक्स्ट्रा 30 मॉक टेस्ट होगा विद डिस्कशन। तो जब आप इतना सारा प्रिपरेशन करेंगे ना 100% आपके पेन ड्राइव से कुछ बाहर नहीं आएगा, आराम से आप 150 155 पे आराम से पहुंच सकते हैं। और जो इंग्लिश और मैथ से डरते हैं ना उनको डरने की जरूरत नहीं है, आप इंग्लिश मैथ से आराम से कीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका मैथ में 45 से अबव आएगा और इंग्लिश में आप कम से कम 40 जरूर ले आएंगे और इससे बाहर नहीं आएगा। आपने देखा है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ग्रुप में, तो उसमें मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन हमेशा आपके पेन ड्राइव से रहेगा, बस पेन ड्राइव को ढंग से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट पेन ड्राइव लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि भाई हमारा सिलेक्शन एक बार एग्जाम दें और उसी बार हो जाए, टाइम बेकार ना जाए, तो पेन ड्राइव कोर्स में एनरोल करवा सकते हैं। पेन ड्राइव के लिए आप उसका फी 4500 है, ठीक है, 4500 इसको आप अपने मोबाइल में चला सकते हैं, ओनली मोबाइल में चला सकते हैं, ठीक है, एक मोबाइल में चलेगा, उस मोबाइल में लगाइए और आराम से उसको आप चलाइए, ठीक है। नेट की जरूरत नहीं है पेन ड्राइव चलाने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे जितने भी बहुत कम हैं लोग जो शहरों में हैं, मान लो जो बॉर्डर एरियाज में हैं और जहां नेट ढंग से नहीं चलता, तो इसलिए हम लोगों ने इसको ऐसा बना रखा है कि आपको नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फोन में लगाओ, OTG हम लोग प्रोवाइड करेंगे कनेक्टर जिससे फोन में कनेक्ट हो जाए और आप आराम से चला सकते हैं। इसका फी मैंने आपको बता दिया, 64 GB का ये पेन ड्राइव होगा, ठीक है। आप इसको हमारे सेंटर महिपालपुर साकेत कालिंदी कुंज आके ले सकते हो, आने से पहले एक बार कॉल कर लो, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम लोग ओपन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कि जो आते हैं उनको उस दिन दिया और फिर क्लोज हो जाता है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, वो क्लास नहीं है, क्योंकि क्लास पहले चलाते थे लेकिन मैंने कहा कि भाई टाइम ठीक नहीं रहता ड्यूटी का, भाई जनरल से बहुत कम स्टूडेंट का होता है, तो फिर उस वैसे में क्लास तो चलेगी नहीं, तो सेम वही पेन ड्राइव कोर्स में हम लोगों ने डाल दिया है, ठीक है।
प्लस जब आप पेनड्राइव कोर्स लेंगे ना तो व्हाट्सएप में जो एडमिशन चल रहा होगा, जैसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है, ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप, तो उस ग्रुप में आपका नाम ऐड हो जाएगा जिस भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। और वहां पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें मिलता रहेगा। एक्स्ट्रा हम लोग नोटिफिकेशन के बाद 15 मॉक टेस्ट करेंगे तो वो उसमें आपको मिलेगा, प्लस करंट अफेयर का सारा डिस्कशन आपको जो है आपके ग्रुप में मिलेगा। प्लस आप 24/7 अपना डाउट पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मुझे हेल्प करो, तो टीचर यहां से आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या होगा ना, पूरा एक जगह चीजें मिल जाएगा जिसे आप एक क्रोनोलॉजी में, सिलसिलेवार वे में प्रॉपरली कर पाओगे। अभी क्या हो रहा है, आप कभी कुछ यहाँ पढ़ रहे हो, कभी वहां पढ़ रहे हो, कभी वहां पढ़ रहे हो, तो एक प्रॉपर ना कंसेप्ट नहीं बन रहा है। प्रॉपर कंसेप्ट ना बनने के वजह से, कंसेप्ट ना बनने के वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, आपमें कॉन्फिडेंस नहीं आती, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा प्रॉपरली, 24/7 टीचर असिस्टेंट मिल रहा है आपको, तो वहां आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो जो स्टूडेंट पेनड्राइव लेना चाहते हैं हमारे सेंटर पे आके ले सकते हैं, और यदि आप सेंटर पे नहीं आ सकते तो आप मंगवा सकते हैं, हम लोग स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजते हैं, इंडियन स्पीड पोस्ट के थ्रू। तो उसके लिए आपको फी सबमिट करना पड़ेगा, चाहे तो आप गूगल पे कर सकते हो या फोन पे कर सकते हो, कहाँ पे, 9205330671, ठीक है। और यदि आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हो तो ऑनलाइन बैंकिंग का आप डिटेल ले लो, ऑनलाइन बैंकिंग आप करेंगे तो पहले नाम डालेंगे, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर राकेश, मेरा नाम है राकेश कुमार ठाकुर। अकाउंट नंबर आप डालेंगे 5010-0278-9888-77, फिर से सुन लो, 5010-0278-9888-77। ये इसमें आपको मांगेगा IFSC कोड, तो आप IFSC कोड जो डालेंगे, HDFC 4737, ठीक है ना, HDFC बैंक लाडोसराय ब्रांच, यदि ब्रांच की तो जरूरत होती नहीं है, IFSC कोड से काम चल जाता है। आप यदि क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं तो क्रेड ऐप पे ये सारा डिटेल डालेंगे तो भी फी पे हो जाएगा, ठीक है ना। फी पे करने के बाद इसका फी का रिसिप्ट, अपना नाम, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, क्या क्या मैंने कहा, स्लिप, फी का, अपना नाम विद कंप्लीट एड्रेस, प्लस दो फोन नंबर, प्लस जिस फोन में चलाएंगे उसका OTG टाइप, दो तरह का OTG होता है, सी टाइप, एक माइक्रो OTG। सी टाइप होता है जो गोलमू वाला होता है, किधर से भी लग जाता है, माइक्रो OTG जिसमें तो पतले जैसे कांटे जैसे निकल लगा होता है, एक ही तरफ से लगता है वो फोन में, ठीक है। तो OTG टाइप आप इसी नंबर पे सेंड कर देंगे डिटेल, 9205330671, तो वो चला जाएगा हमारे पैकिंग टीम को, पैकिंग टीम उसका पैकिंग करके उसका सारा डिटेल आपको दे देगा, ठीक है। और फिर जब वो स्पीड पोस्ट के लिए निकलेगा तब आपको उसका ट्रैक नंबर मिल जाएगा, ट्रैक नंबर या कंसाइनमेंट नंबर, तो उसको आप स्पीड पोस्ट पे जाके, इंडिया पोस्ट पे जाके उसे ट्रैक भी कर सकते, ठीक है। 3-5 वर्किंग डेज में आपको आपका पेन ड्राइव मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आपको लगता है स्टिल आपको कुछ पूछना रह गया, कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये हमारा सेंट्रलाइज नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस को पढ़ते हैं, जो